गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, आईटीआई के एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स सब्जेक्ट के आईटी लिटरेसी टॉपिक के अंदर आज हम सीखने जा रहे हैं कंप्यूटर कीबोर्ड के बारे में। आज हम जानेंगे कि कंप्यूटर में कीबोर्ड क्या होता है, क्या इसका रोल है, कितना ये महत्वपूर्ण है, किन किन काम आपके आ सकता है, ये सब चीज़ें आज हम जानेंगे। तो कंप्यूटर कीबोर्ड क्या है, कैसे कनेक्ट होता है, क्या इसके फ़ायदे हैं, ये सब जानने के लिए आज की क्लास में आप बने रहिए और अपने नोट्स वगैरह बनाने के लिए कॉपी पेन अपने पास रखिए। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं हमारे कंप्यूटर कीबोर्ड के बारे में। कंप्यूटर कीबोर्ड क्या है? कीबोर्ड के बारे में आप सभी लोगों ने सुना होगा, जानते भी हैं, देखा भी होगा। नहीं जानते तो आज हम जीरो से एकदम आपको सिखाएंगे कि एकदम जीरो से कि कंप्यूटर कीबोर्ड क्या होता है, कैसे कार्य करता है। ये एक नॉर्मल साधारण कीबोर्ड है जो आप लोगों ने अपने घरों में, दफ्तरों में, कोचिंग सेंटर, स्कूल, कॉलेज, कहीं पर भी ज़रूर देखा होगा। तो ये एक कंप्यूटर कीबोर्ड की फोटो है। इसे हम सीपीयू से कनेक्ट करते हैं और इसके अंदर आप देखते हैं ये अलग अलग बटन हैं, F1 से F12 तक है, Alt लिखा हुआ है, किसी पे Shift है, किसी पे ये बटन है, ये न्यूमेरिक हैं, ये सब चीज़ें हैं। तो आज हम इन सब के बारे में डिटेल से जानेंगे। ये इसकी केबल है, ये भी कई प्रकार की आती है कनेक्टिंग। तो आज हम कंप्यूटर कीबोर्ड के बारे में जानेंगे कि ये सब क्या है। इसमें यहाँ पे लाइट भी है, ये Logitech कंपनी का है, इसका लोगो है, और भी तरह तरह की कंपनियों के कीबोर्ड जो है मार्केट में उपलब्ध हैं। तो सिंपल सा है, एक साधारण कीबोर्ड का जो है ओवरव्यू हम ले लेते हैं और यहाँ पे देखते हैं कि कौन से बटन जो है कैसे होते हैं। तो ये देख रहे हैं आप, यहाँ पे सबके आगे नाम वगैरह लिखे हुए हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और पढ़ लीजिए, इनके बारे में विस्तार से आगे चर्चा करेंगे। अब सबसे पहले हम देखते हैं कि कंप्यूटर कीबोर्ड क्या है। कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है, ये जैसा कि मैंने आपको इसके बारे में पहले की क्लास में भी बताया था, क्या है, एक इनपुट डिवाइस है। कीबोर्ड का हिंदी में मतलब होता है कुंजी पटल, ठीक है, इसका हिंदी में हम कुंजी पटल बोल सकते हैं कीबोर्ड को। इसकी सहायता से हम कंप्यूटर को निर्देश देते हैं। कीबोर्ड का मुख्य उपयोग टेक्स्ट लिखने के लिए किया जाता है। इसके अलावा कीबोर्ड के द्वारा आप शॉर्टकट कमांड्स का भी उपयोग कर सकते हैं। कंप्यूटर कीबोर्ड पर इसके सभी बटन उकेरे रहते हैं जिन्हें दबाने पर वही अक्षर, चिन्ह और संख्या टाइप होती जाती है जो उस बटन पर उकेरी गई है। कुछ बटनों को दबाने से विशेष कंप्यूटर कमांड्स भी एक्टिवेट होकर निष्पादित हो जाती हैं, यानी कि कुछ अगर हम विशेष बटन दबाएंगे जिससे क्या होगा, इसमें कीबोर्ड के द्वारा जब दबाते हैं तो कंप्यूटर में कुछ कमांड एक्टिवेट हो जाती है। जैसे एक कीबोर्ड बटन पर अंग्रेजी अक्षर A उकेरा हुआ है, जब किसी टेक्स्ट एडिटर प्रोग्राम में उस बटन के साथ दबाएंगे तो A टाइप हो जाएगा, लेकिन जब इसी बटन को कंट्रोल बटन और कीबोर्ड बटन के साथ दबाएंगे तो आपके द्वारा सारा टाइप किया गया सेलेक्ट हो जाएगा। यानी कि कंट्रोल के साथ में अगर आप A दबाएंगे तो आपने जो भी लिखा हुआ सब सिलेक्ट हो जाएगा, लेकिन अगर आप खाली A दबाएंगे तो सिर्फ A ही लिखा जाएगा। एक बात आपको जो है वो विशेष कर ध्यान में रखनी है कि सभी कीबोर्ड बटन सॉफ्टवेयर बटनों का प्रकार, बटनों का मिश्रण आदि के अनुसार काम बदल लेते हैं। किसी कीबोर्ड के अंदर बटन ज़्यादा होते हैं, किसी में कम होते हैं। इसे माउस की तरह भी इस्तेमाल किया जा सकता है। यह एक बहुक्रियात्मक उपकरण होता है जो न सिर्फ लिख सकता है बल्कि कंप्यूटर को नियंत्रित करने में एक अहम भूमिका निभाता है। अगर आपके पास माउस नहीं है या आप इमरजेंसी में माउस आपका ख़राब हो गया तो आप कीबोर्ड के द्वारा भी एक बार काम निकाल सकते हैं अपना बिना माउस की सहायता से। आपको क्या करना है, आपको बस कंप्यूटर के कीबोर्ड पे अपनी कमांड होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि कौन से बटन से कौन सा काम होगा, कौन सी कमांड से क्या होगा, इन सब चीज़ों के बारे में आपको पता होना चाहिए।
फिर हम देखते हैं कीबोर्ड की बनावट, टाइप्स ऑफ कीबोर्ड लेआउट्स, ठीक है, कितने प्रकार के, किस प्रकार के कीबोर्ड होते हैं। एक कीबोर्ड पर कुंजियों की विशेष जमावट को ही कीबोर्ड लेआउट कहते हैं। कीबोर्ड लेआउट ही कीबोर्ड की बनावट तथा आकार तथा उसके प्रकार को निर्धारित करता है। आज कंप्यूटर कीबोर्ड के विभिन्न लेआउट उपलब्ध हैं। दुनिया के अलग अलग देशों ने अपनी भाषा और लिपि के अनुसार कीबोर्ड लेआउट विकसित किए हैं। ठीक है, दुनिया में अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं, अलग अलग संस्कृति होती है, तो सब अपने हिसाब से कंप्यूटर के कीबोर्ड को उन्होंने डेवलप किया है कि वो अपनी भाषा में कीबोर्ड के इस्तेमाल कर सके या लिख सके। ठीक है, हम इन सभी कीबोर्ड लेआउट में मोटे तौर पर दो भागों में उनको बांट सकते हैं। कितने भागों में? दो भागों में। मोस्टली जो है कीबोर्ड लेआउट्स, लेआउट्स यानी उसके लिखने दिखने और का प्रकार जो होता है वो क्या होता है, दो प्रकार का होता है। पहला तो होता है की क्वालिटी, दूसरा होता है नॉन क्वालिटी। ठीक है, क्वालिटी कीबोर्ड लेआउट और दूसरा हो गया नॉन क्वालिटी कीबोर्ड लेआउट। अब ये क्वालिटी कीबोर्ड क्या होता है भाई? यह सबसे ज़्यादा प्रचलित और उपयोग में होने वाला कीबोर्ड लेआउट है। इसे दुनिया भर में अपनाया गया है और आधुनिक कंप्यूटर कीबोर्ड में इसी लेआउट का इस्तेमाल किया जाता है। क्वालिटी लेआउट पर आधारित कुछ अन्य कीबोर्ड लेआउट्स भी हैं, जैसे क्वालिटी, क्वैड्स, एजर्टी या कजर्टी। ठीक है, ये इसके कुछ और प्रकार हैं, आप ज़्यादा डिटेल में मत जाइए, आप समझ लीजिए ये जो है ये क्वालिटी लेआउट है। ठीक है, ये क्वालिटी लेआउट है। अब आ जाते हैं नॉन क्वालिटी कीबोर्ड के ऊपर। जिन कीबोर्ड में क्वालिटी लेआउट को कुंजियों की जमावट के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाता उन्हें नॉन क्वालिटी कीबोर्ड कहते हैं। कुछ नॉन क्वालिटी कीबोर्ड के लेआउट हैं डवोर्क, कोलमैन, वर्कमैन। ठीक है, अब क्वालिटी वाला क्या होता है, देखो इसमें आप देखोगे तो सबसे पहले क्यू है, फिर डब्ल्यू ई आर टी वाई, इसलिए इसको क्वालिटी बोला जाता है कि इसमें जो अल्फ़ाबेट इस प्रकार से होते हैं। ठीक है, और जो नॉन क्वालिटी होता है उसमें इस प्रकार से अल्फ़ाबेट नहीं होते हैं। तो ये आपके लिए हो गया एक लेआउट, मुख्य रूप से कितने हो गए, दो हो गए, क्वालिटी और नॉन क्वालिटी। क्वालिटी के अंदर ये होता है इस प्रकार से और नॉन क्वालिटी के अंदर इस प्रकार से नहीं होता है। अब कीबोर्ड के सभी बटनों की जानकारी और उनका उपयोग ये जानते हैं हम, क्वालिटी लेआउट के बारे में पढ़ेंगे। क्वालिटी लेआउट अब तक का सबसे प्रचलित और दुनिया भर में अपनाया गया पैटर्न है। इस वीडियो में हम इस कीबोर्ड का उपयोग करना आपको बता रहे हैं कि ये जो वीडियो है आपको बताएगा कि आप इस कीबोर्ड यानी क्वालिटी कीबोर्ड को कैसे इस्तेमाल में ले सकते हैं। लेकिन मुख्य तौर पे क्या होता है कि एक कीबोर्ड में कुल कितने बटन होते हैं ये बताइए, सभी बटनों का नाम तथा प्रकार, इनका क्या उपयोग है ये जानेंगे। ठीक है, सबसे पहले जैसे इसमें आता है फंक्शन कीज, मुख्य रूप से जो है कीबोर्ड को कितने भागों में बांटा गया, छह भागों में इन्होंने बांट दिया है कि छह प्रकार के इसमें बटन होते हैं। पहला तो हो गया फंक्शन बटन, दूसरा नेविगेशन बटन, तीसरा टाइपिंग बटन, चौथा इंडिकेटर बटन या लाइट्स, पांचवा कंट्रोल की और छठा न्यूमेरिक कीपैड। ये सब जो है छह भाग है, इन छह भागों में हम कीबोर्ड को डिवाइड करते हैं क्वालिटी वाले को। ठीक है, ये एक सामान्य कीबोर्ड है, तो अब हम अगली स्लाइड में चलते हैं। एक सामान्य कीबोर्ड में जो है, एक सामान्य कीबोर्ड में यानी कि नॉर्मल कीबोर्ड के अंदर जो है लगभग 104 बटन होते हैं तथा इनकी संख्या कीबोर्ड मैन्युफैक्चरर्स से मतलब है कीबोर्ड निर्माता यानी कि जो उनको बनाते हैं और ऑपरेटिंग सिस्टम पर भी निर्भर करती है। इसलिए मोटे तौर पर कह सकते हैं कि क्वालिटी कीबोर्ड में लगभग 100+ बटन होते हैं। ठीक है, 100 के आसपास ही होते हैं, थोड़ा सा कम ज़्यादा हो सकता है प्लस माइनस। ठीक है, कीबोर्ड में मौजूद प्रत्येक कुंजी का एक अपना विशेष कार्य होता है और इसी कार्य के आधार पर इनको निम्न छह श्रेणियों में बांटा गया है।
ठीक है, जिनके वर्णन इस प्रकार हैं, ये मैंने पीछे भी बताया था, वापस से बता रहा हूँ। जैसे फंक्शन कीज हो गया, टाइपिंग कीज हो गया, कंट्रोल कीज हो गया, नेविगेशन की, इंडिकेटर लाइट्स, न्यूमेरिक पैड, ठीक है, ये छः हो गए, छः श्रेणी, छः भागों में इन्होंने इसको डिवाइड कर दिया, जिस तक आप समझ सके, ताकि अच्छे तरीके से। फिर आती है सबसे पहले फंक्शन कीज, पहली श्रेणी के अंदर आता है फंक्शन की। फंक्शन की क्या होता है, कीबोर्ड में सबसे ऊपर होती है, इन्हें कीबोर्ड में F1 से F12 तक लिखा जाता है। फंक्शन की का उपयोग किसी विशेष कार्य को करने के लिए किया जाता है, इनका उपयोग जो है हर प्रोग्राम में अलग अलग होता है। अभी आपको जो है F1 से F12 दिखाता हूँ मैं, कीबोर्ड में कहाँ होती है। ये देखिए आप, ये F1 है, ये F1 से लेके F12 तक है। ये जो बटन मैंने अभी मार्क किए हैं, एक बार वापस से बताता हूँ आपको, पहले वाले मिटा के, ये जो हैं F1 से F12 तक, ठीक है, ये हो गई हमारी फंक्शन कीज। F1, F2, F3, F4, इसमें क्या होता है, इसमें होता है कि सभी जो प्रोग्राम होते हैं उनका अपना अपना इस्तेमाल अलग अलग प्रोग्राम में अलग अलग होता है। टेली में अलग होता है, नॉर्मल कीबोर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, वर्ड में अलग होता है। तो ये हो गई हमारी फंक्शन कीज। फिर दो नंबर आती है टाइपिंग कीज। टाइपिंग कीज में क्या होता है, सबसे उपयोग इनका ही होता है सबसे ज़्यादा। टाइपिंग कीज में दोनों तरह की अल्फ़ाबेट और नंबर शामिल होते हैं, इन्हें सामूहिक रूप से अल्फा न्यूमेरिक कीज कहा जाता है। टाइपिंग कीज में सभी तरह के सिंबल तथा पंक्शंस मार्क्स भी शामिल होते हैं, जैसे कि सभी प्रकार के सिंबल हो गए, जैसे क्वेश्चन मार्क वगैरह हो गए, पंक्शन मार्क्स, ये सारे शामिल होते हैं टाइपिंग में। जब आप कंप्यूटर टाइपिंग सीखते हैं तो भी इन्हीं कुंजियों का प्रशिक्षण करवाया जाता है, इसलिए इन कुंजियों की जानकारी अच्छी तरह कर लेनी चाहिए। तो आपको जो है टाइपिंग में आप मास्टर होना है तो टाइपिंग कीज के बारे में अच्छे से जान लेना चाहिए। अब नंबर 3 पे आती है कंट्रोल कीज, ठीक है। कंट्रोल कीज क्या होती हैं, इन कीज को अकेले या अन्य कीज के साथ कोई निश्चित कार्य करने में इस्तेमाल किया जाता है। एक सामान्य कीबोर्ड में अधिकतर कंट्रोल की, एल्ट की, विंडोज़ की, एस्केप की का उपयोग कंट्रोल कीज के रूप में किया जाता है। इनके अलावा मेन्यू की, स्क्रॉल की, पॉज, ब्रेक की, प्रिंट स्क्रीन की आदि कीज भी कंट्रोल कीज में शामिल होती है। इन्हें जो है मुख्यतः से कॉम्बिनेशनल कीज भी हम कह सकते हैं, कॉम्बिनेशनल, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है कि वो बटन जो अकेले काम न करे, यानी उन बटन के साथ आपको किसी दूसरे बटन को दबाना आवश्यक हो जाए, वो होती है कॉम्बिनेशनल कीज, यानी कंट्रोल कीज। कंट्रोल अगर आप अकेले दबाओगे तो कुछ नहीं करेगा, एल्ट दबाओगे तो कुछ नहीं करेगा, इनके साथ में आपको कोई दूसरा बटन दबाना पड़ता है तभी ये काम करते हैं। फिर आते हैं हमारी नेविगेशन कीज। अब पहले आपको कंट्रोल दिखाता हूँ और नेविगेशन भी दिखा देता हूँ साथ में कीबोर्ड में। अभी देखो मैं रेड कलर में मार्क कर रहा हूँ, ये तो होती है नेविगेशन कीज, ठीक है, और अभी मैं आपको ब्लू कलर में मार्क कर रहा हूँ, ये होती है कंट्रोल, एल्ट, विंडोज, शिफ्ट, ये वाले भी सेम वही है, ठीक है, ये वाले भी सेम वही है। तो ये हो गई कॉम्बिनेशनल कीज, ठीक है, ब्लू कलर में जो मार्क की है, ये हो गई हमारी कॉम्बिनेशनल कीज, और ये रेड वाली ये जो है नेविगेशन कीज, ठीक है। अभी जानते हैं हम नेविगेशन की के बारे में। अभी नेविगेशन कीज में क्या होता है, एरो कीज होती है, होम, एंड, इंसर्ट, पेज अप, डिलीट, पेज डाउन आदि कीज होती है। इनका यूज किसी डॉक्यूमेंट, वेब पेज आदि में इधर उधर जाने में होता है, जैसे कि इसमें चार तीर के निशान होते हैं ना, एक ऊपर, एक इधर, एक इधर, एक इधर, तो ऊपर की तरफ अगर आपको जाना तो ये दबाओगे, नीचे आना तो ये, लेफ्ट जाना तो ये, राइट जाना तो ये। तो ये हो गई हमारी नेविगेशन कीज।
नेविगेशन की के बाद में आती है हमारे सामने इंडिकेटर लाइट्स। अभी इंडिकेटर लाइट्स कहाँ होती है भाई, ये और देख लेते हैं कीबोर्ड के अंदर। कीबोर्ड के अंदर इंडिकेटर लाइट्स होती है यहाँ पे, ये देखो ये रही, मैंने येलो कलर में मार्क किया है। नम लॉक, कैप्स लॉक और स्क्रोल लॉक, ये इनके लिए डेडिकेटेड बटन होते हैं। जैसे नंबर लॉक के लिए ये बटन दबाओगे तो ये लाइट जगेगी, कैप्स लॉक के लिए ये बटन दबाओगे तो यहाँ पे ये लाइट जगेगी, स्क्रोल लॉक के लिए यहीं कहीं पे बटन होता है स्क्रोल लॉक के लिए, ये जैसे ये रहा ठीक है, ये दबाओगे तो ये जगेगी। तो एक दो तीन, तीन बटन है तीन लाइट्स के लिए ठीक है। अब ये काम क्या आती है इंडिकेटर लाइट्स, ये और देख लेते हैं। कीबोर्ड में तीन तरह की इंडिकेटर लाइट यानी संकेतमक संकेतक होती हैं, नम लॉक, स्क्रोल लॉक और कैप्स लॉक। जब कीबोर्ड में पहली लाइट जली होती है इसका अर्थ है कि न्यूमेरिक कीबोर्ड चालू है, और यदि ये बंद है तो इसका अर्थ होता है न्यूमेरिक कीपैड बंद है। दूसरी लाइट में लेटर्स को अपर केस और लोअर केस के बारे में संकेत करती है, यानी बड़ी एबीसीडी छोटी एबीसीडी। जब ये बंद होती है तो छोटे अक्षरों में लिखा जाता है, और ये जब चालू होती है तो बड़े अक्षरों में लिखा जाता है, कैप्स लॉक। तीसरी होती है स्क्रोल लॉक के नाम से, ये स्क्रॉलिंग के बारे में जानकारी देती है, यानी कि पेज में ऊपर नीचे आने के लिए माउस जब हम यूज़ करते हैं उसके बारे में। फिर आता है न्यूमेरिक कीपैड, इन्हें हम कैलकुलेटर कीज भी कह सकते हैं। अभी न्यूमेरिक कीपैड कहाँ होता है देखो, ये और बता देता हूँ आपको। अब ये जो थी ना, ये न्यूमेरिक है ठीक है, ये देखो गिनती है यहाँ पे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, तो ये हो गई हमारी न्यूमेरिक कीज। इन्हें हम कैलकुलेटर की भी कह सकते हैं, क्योंकि एक न्यूमेरिक कीपैड में लगभग कुछ अतिरिक्त एक कैलकुलेटर के समान ही बटन होते हैं, तथा इनका उपयोग नंबर, संख्या, अंक यानी कि ये लिखने के लिए इनका किया जाता है उपयोग। तो ये हो गई हमारी न्यूमेरिक कीज। फिर आती है हमारे सामने कुछ और टाइपिंग कीज ठीक है। टाइपिंग कीज में और कौन कौन सी हैं, टैब की। टैब की से क्या होता है, इसका यूज एक साथ कई अक्षरों को स्पेस देने के लिए किया जाता है। इनका इसके अलावा भी कई उपयोग होते हैं। टैब का यूज कुछ कीबोर्ड शॉर्टकट्स में भी किया जाता है। टैब बटन कंप्यूटर में केवल एक ही होता है जो बाईं तरफ स्थित होता है। अभी आपको मैं टैब बटन और दिखा देता हूँ, ये हटा देते हैं अभी पहले वाले निशान। अभी देखो टैब बटन, ये रहा टैब बटन ठीक है, ये टैब है, इसका उपयोग स्पेस का बढ़ावा ही होता है। ये स्पेस से थोड़ा थोड़ा आगे जाएगा और टैब से क्या होगा, एक साथ उछल के आगे चला जाएगा। टैब के बाद में आती है कैप्स लॉक की, कैप्स लॉक में दिखा देता हूँ आपको मैं, टैब के नीचे ही होती है ये देखो आप, यहाँ पे ये कैप्स लॉक है, पीछे ही बताया था। इसका उपयोग ए बी सी डी, जैसे हम बोलते हैं बड़ी ए बी सी डी छोटी ए बी सी डी, जब आपको सारे अक्षर बड़ी ए बी सी डी में लिखने होते हैं तो आप ये बटन दबाइए कैप्स लॉक, और कैप्स लॉक जब दबाओगे तो यहाँ पे एक लाइट जग जाएगी, इसका मतलब ये एक्टिवेट होगी और आप जब भी टाइप करोगे तो सारे अक्षर बड़ी ए बी सी डी में लिखे जाएंगे। अगर आप इसको वापस से दबा दोगे तो यहाँ पे लाइट बुझ जाएगी और आप जो भी लिखोगे छोटी ए बी सी डी में लिखा जाएगा। अब इसमें इसके बारे में जान लेते हैं। इस बटन का उपयोग सभी लेटर्स को बड़ा लिखने में किया जाता है। जब कैप्स लॉक ऑन रहता है तो सभी लेटर बड़ी ए बी सी डी में लिखे जाएंगे, और ऑफ रहने पर छोटी ए बी सी डी में लिखे जाएंगे ठीक है। अपर केस यानी ए बी सी डी, देख सकते हो आप अपर केस कौन सा होता है, लोअर केस कौन सा होता है, इतना तो आपको पता ही होगा, 10वीं पास हो आप, ITI कर रहे हो। फिर आती है हमारे सामने शिफ्ट की, स्पेस बार, एंटर की और बैक स्पेस। तो मैं आपको एक एक करके बता देता हूँ शिफ्ट की कहाँ पे है। ये देखो आप टैब और कैप्स के नीचे शिफ्ट की, ये यहाँ पे भी है और ये यहाँ पे भी है ठीक है। आप देखो ये कंट्रोल भी इधर है इधर भी, दोनों का उपयोग क्या है, ताकि दोनों हाथों से जब आप टाइपिंग करते हैं तो अपनी सुविधा के अनुसार, जैसे कंट्रोल के साथ ए दबाना है तो आप लेफ्ट हैंड से दोनों एक साथ कर सकते हो, और राइट हैंड से अगर एल दबाना आपको तो एक हाथ से आपकी उंगली इतनी दूर नहीं जाएगी, तो आप सेकेंड हाथ से कंट्रोल के साथ में एल दबा सकते हो उस साइड वाले से ठीक है। ये राइट हैंड से हो जाएगा, ये लेफ्ट हैंड से हो जाएगा ऐसे। तो ये हो गया हमारा शिफ्ट की। शिफ्ट की के बाद में हमारी जो है फिर क्या है, स्पेस बार। स्पेस बार आपको पता ही कहाँ पे होता है, ये सबसे बड़ा बटन जो है कीबोर्ड में स्पेस बार ही होता है, ये स्पेस है ठीक है, ये स्पेस हो गया। फाइल में अक्षरों के बीच में जगह रखने के लिए, आगे जाने के लिए। स्पेस के बाद में होता है एंटर। एंटर कहाँ पे होता है, एंटर भी दो होते हैं कीबोर्ड के अंदर, ये देखो ये हो गया एंटर यहाँ पे
और ये वाला भी एंटर है। ये न्यूमेरिक कैलकुलेशन करने के लिए आप तुरंत एंटर दबाते रहो, यहाँ तक ना आना पड़े आपको हाथ को, और टाइपिंग करते हुए नीचे फाइल में आना है तो नीचे आ जाएंगी। किसी फाइल में आप लिखते हुए कुछ नीचे आना चाहते हो तो एंटर दबाते हैं, किसी चीज़ को ओके करना हो तो एंटर का उपयोग करते हैं। फिर उसके बाद में बैक स्पेस है, ये वाला बैक स्पेस ये रहा। बैक स्पेस से क्या होता है, आप फाइल में आपने कुछ गलत टाइप कर दिया, गलत लिख दिया, तो उसको मिटाने के लिए आप बैक स्पेस का इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी इसकी किताब के अनुसार पढ़ते हैं। शिफ्ट की में क्या होता है, इसका उपयोग लेटर को अपर केस में लिखने के लिए किया जाता है, यानी आपको सिर्फ एक अक्षर कैपिटल में लिखना है तो आप शिफ्ट के साथ वो बटन दबा के उसको यूज़ कर सकते हैं। शिफ्ट बटन कंप्यूटर में दो होते हैं, एक बायां शिफ्ट और दूसरा दायां शिफ्ट। जब बड़ा अक्षर बायां से टाइप करना हो तो दायां शिफ्ट दबाते हैं, और दायां से बड़ा अक्षर टाइप करने के लिए बायां शिफ्ट दबाते हैं। ये मैंने आपको बताया दिया, हमारी जो है ज़रूरत के हिसाब से जो है हम बटन दबाते हैं। फिर होता है स्पेस बार। स्पेस बार कीबोर्ड में सबसे बड़ा बटन होता है, इसका उपयोग कर्सर को एक स्पेस आगे खिसकाने के लिए किया जाता है, ये मैंने आपको पहले बता दिया। फिर आती है एंटर की, एक महत्वपूर्ण की है, इसका यूज अगली लाइन शुरू करने के लिए किया जाता है। जब एंटर को दबाया जाता है तो कर्सर अगली लाइन से शुरुआत में चल जाता है। एंटर की को ओके बटन का कार्य भी करती है, यानी आगे जाने के लिए या ओके करने के लिए। बैक स्पेस मैंने बता दिया, इसका यूज कर्सर के आगे तथा सेलेक्ट किए हुए टेक्स्ट को डिलीट करने के लिए किया जाता है। इसके साथ ही अलग अग सॉफ्टवेयर में इसका कार्य बदल जाता है, टैली में जैसे ऊपर नीचे जाने के लिए भी इसका इस्तेमाल करते हैं। तो ये हो गया बैक स्पेस। ये एक नॉर्मल छायाचित्र है जिसके माध्यम से बटन बताए गए हैं कि कीबोर्ड के अंदर कौन से बटन कहाँ स्थित हैं, तो ये आप देख सकते हैं, और इसका स्क्रीनशॉट लेके इसको बेहतर तरीके से जो है आप समझिए। फिर जो है हमारे सामने आती है एस्केप, कुछ और बटन होते हैं एस्केप की। एस्केप की का यूज होता है वर्तमान में किसी चालू टास्क को कैंसिल करने के लिए, यानी आपसे कोई प्रोग्राम खुल गया या कोई बटन दब गया तो उसको हटाने के लिए आप एस्केप बटन दबा सकते हैं। एस्केप होता है यहाँ पे, देखो ये रहा, ठीक है। फिर आती है कंट्रोल की, ये मैंने बताई थी, यहाँ पे ये रहा कंट्रोल, कंट्रोल एल्ट, ये दोनों साइड होते हैं, इधर भी होते हैं इधर भी होते हैं। इन कंट्रोल की का पूरा नाम कंट्रोल की है, CTRL बोलते हैं शॉर्ट में। इसका यूज कीबोर्ड शॉर्टकट के लिए किया जाता है। एल्ट की का पूरा नाम एल्टर की है, इसका यूज भी कीबोर्ड शॉर्टकट में किया जाता है। विंडोज लोगों की, इस की का यूज स्टार्ट मेन्यू को ओपन करने के लिए किया जाता है। ये होती है यहाँ पे, देखो ये वाली, ये रही, ये मैं आपको पहले मिटा के दिखाता हूँ सारे, और ये रेड काफी ठीक है, ये होती है यहाँ पे विंडोज की, ये रही, ठीक है। इससे क्या होता है स्टार्ट मेन्यू ओपन हो जाएगा। फिर आती है मेन्यू की का, माउस के राइट क्लिक के समान ही कार्य करती है, किसी चुने हुए प्रोग्राम से संबंधित विकल्प को ओपन करती है। अभी मेन्यू की क्या होती है, ये देखो ये रही मेन्यू की, कंट्रोल और विंडो के साथ में। फिर होती है प्रिंट स्क्रीन की, इसके जो है कंप्यूटर स्क्रीन की इमेज लेने के लिए कि इसका यूज़ किया जाता है। जैसे हम बोलते हैं स्क्रीनशॉट है, वैसे ये प्रिंट स्क्रीन की होती है। इसका अलग अलग प्रोग्राम में अलग अलग तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ये हो गए हमारी कंट्रोल की और उनके उपयोग। फिर आते हैं नेविगेशन कीज, एरो कीज जो मैंने आपको बताए थे, दाएं बाएं ऊपर नीचे, ठीक है। इनमें क्या होता है, चार की होती है, अप डाउन, एरो लेफ्ट, एरो राइट। इनका यूज कर्सर और वेब पेज को एरोज की दिशा में सरकाने के लिए किया जाता है। फिर आती है होम की, होम की का यूज कर्सर को किसी दस्तावेज के शुरुआत में लाने के लिए किया जाता है। इसकी सहायता से एक वेब पेज और डॉक्यूमेंट के एकदम शुरुआत में हम आ सकते हैं। एंड की का यूज कर्सर को किसी दस्तावेज के आखिर में लाने के लिए किया जाता है। इसकी सहायता से एक वेब पेज और डॉक्यूमेंट एकदम नीचे आ जाता है। जैसे ये हो गए, ये वाले जो है ये इतना, ये नेविगेशन की, इसमें होम एंड सारे हैं। फिर जो आती है हमारे सामने एंड की के बाद में आता है इंसर्ट की। इंसर्ट की का यूज इंटरनेट बोर्ड को ऑन तथा ऑफ करने के लिए किया जाता है। फिर आती है डिलीट की का यूज कर्सर के बाद टेक्स्ट, सेलेक्ट किए हुए टेक्स्ट तथा फाइल से फाइल फोल्डर को डिलीट करने के लिए किया जाता है। जैसे नॉर्मली जो है डिलीट करने के बारे में, बैक स्पेस जो होता है हमेशा लेफ्ट साइड का मिटाएगा और डिलीट वाला राइट साइड का मिटाएगा। इसके अलावा आपने जो भी सिलेक्ट कर रखा है वो मिटा सकते हैं, या फाइल फोल्डर को डिलीट करना हो तो भी डिलीट का इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर आता है पेज अप की, फाइल में पेज को ऊपर जाने के लिए इसको यूज करते हैं। डाउन का मतलब सीधा ही है, डाउन यानी नीचे आने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। फिर आता है न्यूमेरिक कीबोर्ड,
न्यूमेरिक कीपैड में क्या होता है कि ये कीबोर्ड में दाएं हाथ की तरह होता है, इसमें 0 से 9 तक संख्याएं होती हैं, साथ ही गणितीय चिन्ह एडिशन सब्ट्रैक्शन डिवीजन मल्टीप्लिकेशन तथा डेसिमल चिन्ह भी शामिल होते हैं। न्यूमेरिकल कीपैड का यूज संख्याएं लिखने के लिए किया जाता है, ये संख्याएं कीबोर्ड में दूसरी जगह भी होती है, लेकिन न्यूमेरिक कीपैड से इन्हें जल्दी से जल्दी लिखा जा सकता है। इसके अलावा न्यूमेरिक कीपैड का यूज नेविगेशन कीज की तरह भी कर सकते हैं। न्यूमेरिक कीपैड को इस्तेमाल करने के लिए नम लॉक को ऑन रहना चाहिए, ये मैंने पीछे बता दिया था, वापस से आ गया। अब जो है हम कीबोर्ड को कंप्यूटर से कैसे कनेक्ट करते हैं उसको सीख लेते हैं। कीबोर्ड को कनेक्ट कैसे करते हैं, सबसे पहले आपका कंप्यूटर बंद रहना चाहिए, एकदम सेफ तरीके से सीख रहे हैं हम, ऐसे आडू तरीके से नहीं, सेफ तरीके से। सिस्टम बंद हो गया, प्लग निकाल दिया, बिजली को सबसे पहले क्या करना है, बंद करना है। सबसे पहले कंप्यूटर में जाने वाली बिजली का स्विच बंद कर दे। बिजली चालू होने पर इस काम को करने की सलाह हम नहीं देंगे। अगर आप नहीं कर सकते तो घर में किसी जानकार व्यक्ति से जो है आप काम करवाए। ये जो है बिजली का मामला है और आपकी जान का सवाल है, जरा सा झटका आपको सुला सकता है परमानेंट, ठीक है। फिर कीबोर्ड कनेक्टर चेक करें। देखो कीबोर्ड जो है नॉर्मली दो रूप से आते हैं आजकल, PS2 पोर्ट ये होते थे पहले, आजकल आ रहे हैं USB पोर्ट, ठीक है। PS2 पोर्ट में उस हिसाब से लगाना और USB पोर्ट में भी USB वाले में लगाना। इसमें क्या होता है, इसके बाद कीबोर्ड का कनेक्टर का प्रकार चेक करें। यह कनेक्टर एक तार होता है जिसका एक सिरा कीबोर्ड से जुड़ा हुआ रहता है और दूसरा सिरा बाहर निकाला रहता है। आपको बाहर वाले सिरे का आखिरी छोर देखना है। अगर कीबोर्ड का छोर गोल है तो वह PS2 पोर्ट है, और चकोर आयतकार है तो USB पोर्ट कनेक्टर है। सहायता के लिए आपको नीचे फोटो दिखा रखी, ये बता रखा है, जैसे ये वाला USB होता है, ये गोल है और ये चकोर है, ठीक है। USB कनेक्टर वाला कीबोर्ड कैबिनेट के USB पोर्ट में कनेक्ट करते हैं, और PS2 वाला PS2 पोर्ट में कनेक्ट होगा। ये देखो पीछे पीछे की तरफ आप देखोगे ना तो ऐसे होता है, ये PS2 पोर्ट है, इसमें तो गोल वाला होगा और इसमें चकोर वाला। इसके बाद कंप्यूटर कैबिनेट में उपयुक्त कनेक्टर ढूंढना है, और इसके खोजने के लिए कैबिनेट का पिछला हिस्सा अपनी तरफ खींचिए और पोर्ट का पता लगा लीजिए। यदि कंप्यूटर में कैबिनेट में मौजूद पार्ट्स के बारे में आपको जानकारी नहीं है तो इसके बारे में हम अगली वीडियो में आपको बताएंगे। फिर जो है कीबोर्ड को कंप्यूटर से कैसे कनेक्ट करें, अपने कीबोर्ड और कंप्यूटर में कनेक्टर्स के बारे में जान लिया तो अब इन दोनों को एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं। पहले कीबोर्ड तार को दाएं हाथ से पकड़ लीजिए, फिर उपयुक्त केबिन पोर्ट की में कीबोर्ड कनेक्टर को घुसा दीजिए और इसे जोड़ते समय सावधानी बरतें, आराम से जोड़ें, ज़्यादा ताकत न लगाएं। ज़्यादा ताकत अगर आप लगाओगे टूट जाएगा। इसमें तो काफ़ी ज़्यादा PS2 जो होता है गोल वाला, इसमें काफ़ी सावधानी रखनी पड़ती है, इसमें आप बार बार यूज़ नहीं कर सकते, डाल के निकाल सकते, खराब हो जाएगा। ये वाला फिर भी ठीक होता है, इतना नहीं होता। फिर आता है कंप्यूटर चालू करके चेक करें। जब कीबोर्ड जुड़ जाए तो कंप्यूटर चालू करें और कीबोर्ड बटन दबाकर चेक करें कि कीबोर्ड सही तरह से जुड़ा है या नहीं। जुड़ने पर बटन काम करेंगे और नहीं जुड़ने पर बटन काम नहीं करेंगे। अभी थोड़ी हिस्ट्री देख लेते हैं। कंप्यूटर कीबोर्ड का इतिहास ज़्यादा पुराना नहीं है, मगर इसका पूर्वज टाइपराइटर ही है, इसलिए कीबोर्ड को भी टाइपराइटर जितना बूढ़ा माना जा सकता है। आधुनिक कीबोर्ड का आविष्कार क्रिस्टोफर लैथेसम सोलन ने सन 1868 में किया था, क्योंकि इसी दिन इनको आधुनिक टाइपराइटर का पेटेंट हासिल हुआ था। ये हो गया आपका कीबोर्ड से संबंधित कुछ सामान्य सवाल जवाब। अब हम नॉर्मल क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। जैसे कंप्यूटर कीबोर्ड क्या है, कंप्यूटर कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है जिसका उपयोग कंप्यूटर को निर्देश देने तथा टाइपिंग करने, कीबोर्ड पर उसके ऊपर बटन कुंजी उकेरे रहते हैं जिन्हें दबाने पर अक्षर चिन्ह तथा विशेष कमांड्स निष्पादित होती है। फिर अगला सवाल है, एक कंप्यूटर में कुल कितने बटन होते हैं। एक मानक कीबोर्ड में कुल 104 बटन होते हैं, लेकिन यह संख्या कीबोर्ड निर्माता, कीबोर्ड के प्रकार, कीबोर्ड की डिवाइस के आधार पर कम ज़्यादा हो सकती है। नॉर्मल हम कह सकते हैं 100 के आसपास होती है, थोड़ी ज़्यादा हो सकती है, कम भी हो सकती है। फिर अगला सवाल आता है कि कीबोर्ड क्या है, ये मैंने आपको बता ही दिया। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, अगली वीडियो में हम आपको आगे इसके बारे में बताएंगे। तो अभी आपको क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और अपने सहपाठियों को दिखाइए। धन्यवाद।